शाहरुख खान की जवान मूवी हमें बहुत ही ज्यादा इंटरटेन कर रही है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर ऐसा लगता है ये तूफान अभी नहीं रुकने वाला है। नॉर्मल ऑडियंस ने इस मूवी को सिर पे चढ़ा के रखा है, लेकिन इसके अलावा ये मूवी अब बाकी सुपरस्टार को भी पसंद आ रही है। अक्षय कुमार, सलमान खान, महेश बाबू और SS राजामौली जैसे बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं मानता। और इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन का, जिसने दिल खोलकर इस मूवी का तारीफ किया है और इस मूवी से जुड़े सभी कलाकारों के काम को बेहतरीन बताया है। और अपने आइकॉनिक स्टार अल्लू अर्जुन इस मूवी और शाहरुख खान के बारे में लिखा है, जवान की टीम को भयंकर ब्लॉकबस्टर के लिए बहुत बधाई। शाहरुख सर अपने सबसे मासी अवतार में हैं और शाहरुख खान ने अपने स्वैग अवतार से पूरे इंडिया और बाहर सभी को खुश कर दिया है। आपकी ये मूवी अच्छी हो इसके लिए मैंने दुआ किया था। हर बार की तरह विजय सेतुपति सर अपने रोल में कमाल नजर आ रहे हैं और नयनतारा अपने नेशनल स्केल पे बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। इन सब के अलावा अनिरुद्ध का म्यूजिक पूरे देश को एक लूप में झुमा रहा है और हमें गर्व करने के लिए, सोचने पर मजबूर करने के लिए और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाने के लिए अतुल कुमार को बहुत बहुत बधाई। क्यों हिला डाला ना? अल्लू अर्जुन के इस प्यार को देखकर शाहरुख खान ने भी अल्लू अर्जुन के लिए कुछ बेहतरीन लिखा और बताया, आपके किस रोल से इंस्पायर होकर जवान मूवी में मैंने विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर प्ले किया है। शाहरुख खान लिखते हैं, थैंक यू सो मच। और जब स्वैग की बात आती है तो खुद फायर मेरी तारीफ करे, मेरा तो दिन बन गया। मैं मानता हूँ जवान मूवी में मैंने आपके जैसा स्वैग लाने के लिए लगातार 3 दिनों तक पुष्पा मूवी देखी है, तब जाकर मैंने विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और दुआ के लिए। मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान की जवान मूवी का कोई भी स्क्रीनिंग नहीं रखा गया था, उसके बाद भी ये सभी बड़े एक्टर डायरेक्टर इस मूवी को देख रहे हैं और अपना रिव्यू दे रहे हैं। जहां एक ओर हम फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इन सभी मूवी को बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर साउथ सिनेमा बोलकर बांटते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी फिल्म मेकर और एक्टर जो भी किसी भाषा या विषय पर अगर पैन इंडिया मूवी बनाता है तो उसे इंडियन मूवी या फिर इंडियन सिनेमा कहता है, उसे भाषा के नाम पर नहीं बांटता है। और अब ये बात हमें समझना होगा कि बॉलीवुड और साउथ सिनेमा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर इंडियन सिनेमा बनाती है और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जवान मूवी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना साथ बनाए रखना तरुण थिंकिंग के साथ।